अस्सलामुअलैकुम, मैं सैफुल्ला, सलाम स्टेट एंड बिल्डर के पैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा जेरे बेस टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी के अलावा बाकी जितना बहरिया टाउन का एरिया ऑलमोस्ट सभी में बहरिया टाउन ने पोजेशन डिक्लेयर कर दी हुई है, और इस वक्त जो ये फेज चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन का फेज है। ज़ाहिर है जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट्स हैं उनकी पेमेंट्स भी कम्प्लीट हो चुकी हैं और अब वो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी क्यूरीज हमारे पास आती हैं, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करने का प्रोसेस क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, कवर्ड एरिया क्या है। तो आज की हम वीडियो में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का जो रिक्वायरमेंट्स है बहरिया टाउन की तरफ से या उसका जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस करेंगे, और इसकी जो जनरल कॉस्टिंग के हवाले से बात करेंगे, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो ऑन ग्राउंड हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और अपने कस्टमर्स को दिखाएंगे कि हमारे कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस फेज में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने प्रोसीजर क्या है, बहरिया टाउन की क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी प्लाट के घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले जब पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बहरिया टाउन पोजीशन डिक्लेयर करता है, तो उसके लिए आपको एक लेटर बहरिया टाउन भेजता है कि आपकी जो ये प्लॉट है या आपकी प्रॉपर्टी है रेडी फॉर पोजीशन है, आप पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड 125 स्क्वायर यार्ड के प्लाट को लेते हैं, अली ब्लॉक को लेते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप पोजेशन अप्लाई करते हैं। पोजेशन के चार्जेस हैं 75,000 और 65,000 इसके यूटिलिटी चार्जेस हैं, मीन्स 1,40,000 रुपये उसको इनिशियल पेमेंट करनी पड़ती है पोजेशन के लिए। उसके बाद आपको सॉयल टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, फिर उसके लिए सॉयल टेस्ट की अराउंड 30,000 उसके चार्जेस हैं, फिर उसके साथ आपको ड्राइंग की अप्रूवल लेनी पड़ती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग लेनी पड़ती है, अप्रूव करानी पड़ती है, इसी तरह बिल्डिंग ड्राइंग अप्रूव करानी पड़ती है, प्लम्बिंग की ड्राइंग है, स्टील की ड्राइंग है, मीन ये सारा प्रोसेस जो है ये तकरीबन को 3,00,000 और 3,10,000 तक इसकी कॉस्ट होती है, और ये 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेस होता है। इस 2 से 3 हफ्ते के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको NOC मिल जाता है, फिर आप अपनी उस बिल्डिंग उस घर को की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर हम ऑनवर्ड कास्टिंग की बात करें, जो ये प्रोसेस है जब हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉस्ट होती है उसमें ये 3 लाख शामिल नहीं होता। अगर उसको हम हैंडओवर करते हैं ये प्रोसेस भी कंप्लीट करने के लिए तो जो हम कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे वो इसके अलावा ये 3 लाख पे करना होगा। अच्छा, हम नेक्स्ट आते हैं कि कवर्ड एरिया कितना होता है और इस वक्त कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है बहरिया टाउन में। 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के ऊपर जो बहरिया टाउन कंस्ट्रक्शन अलाउ करता है वो तकरीबन 1,850 स्क्वायर फीट है। ज़ाहिर है इस 1,850 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में ना तो बाउंड्री वाल का एरिया इंक्लूड होता है, ना सेप्टिक टैंक इंक्लूड होता है, और जो ओवरहेड टैंक होता है वाटर टैंक वो भी इंक्लूड नहीं होता। तो कॉस्टिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो इस एरिया को ऐड करके तकरीबन 1,960-1,970 स्क्वायर फीट एरिया जो है कैलकुलेट करते हैं अपनी कॉस्टिंग के लिए। और अब आते हैं इसकी प्राइस क्या बनती पर स्क्वायर फीट। देखिए, जो प्राइस है फर्क बहरिया टाउन में चल रही है वो 2,500 से लेके 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चल रही है। स्टैंडर्ड जो बहुत अच्छी क्वालिटी है मतलब वो 3,000 तक आपका घर बन जाता है। अच्छा, अगर 3,000 का रुपीज पर स्क्वायर फीट हम प्राइस लेते हैं और कवर्ड एरिया जैसे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है 1,960 मतलब कैलकुलेशन के लिए हम 2,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया करते हैं कैलकुलेट, और 3,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट उसकी प्राइस लेते हैं, तो तकरीबन 60 लाख में आपका एक अच्छा घर जो है बन जाता है। और 3 लाख उसकी इनिशियल हमने जो प्राइस कैलकुलेट की है जो NOC के लिए, तो 63 लाख तक आपका एक अच्छा बेहतरीन ए प्लस क्वालिटी का घर बन जाता है। अच्छा, अगर दूसरी कैलकुलेशन पे जाएं कि इसको प्राइस को कम करने के लिए, तो ज़ाहिर है उसमें जो क्वालिटी होगी उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम 25,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 55 लाख की कॉस्ट पड़ जाती है कंस्ट्रक्शन की, और 3 लाख रुपये इनिशियल NOC के एक्सपेंस हमने ऑलरेडी बताया, तो 55 से 60 लाख की रेंज में आपको बेहतरीन घर बना सकते हैं। 3 बेड का और डबल लॉन, नीचे भी ऊपर भी लॉन का, और प्रॉपर किचन ड्राइंग रूम सब ए वन किस्म का घर बन जाता है तकरीबन 2,000 स्क्वायर फीट का। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं कि अगर बजट एक बंदे का बहुत अच्छा है तो ज़ाहिर है वो तो अच्छी लोकेशन पर प्लॉट भी ले सकता है और अच्छी कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। दूसरा एक बंदा है वो ये कहता है कि मुझे लो बजट पे जाना है, तो अभी हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक कैटेगरी तो हम करते हैं कि लो कॉस्ट की कंस्ट्रक्शन, और दूसरी हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि प्लॉट की प्राइस मुख्तलिफ एरियाज में कैसे हम उसको ले सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो प्रिसेंट 10B में 11B में
प्रिजन 27 में, प्रिजन 31 में और अली ब्लॉक में हो रही है। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि 25 लाख से लेके अराउंड 55 लाख तक का प्लॉट आपको मिल जाता है। अगर हम प्रिजन 10 भी, 11 भी, 27 और 31 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लॉट जो मिल जाता है अच्छा, जिसके ऊपर घर बना सकते हैं रीजनेबल, वो 25 लाख से 30 लाख का मिल जाता है। अगर हम वहाँ पे एक 30 लाख का प्लॉट कैलकुलेट करते हैं और 50 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, जो कि 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट तकरीबन आप कह सकते हैं, 55 लाख की कॉस्ट और 30 लाख का आपका प्लॉट, तो ये बन जाएगा 85 लाख और 3 लाख इनिशियल एटोसी, मतलब 90 लाख में आप बेहतरीन घर बना सकते हैं प्रेजेंट 10 बी में, 11 बी में, 27 में और 31 में यही कॉस्ट आती है। अगर यहाँ पे हम कॉस्ट प्लॉट को 30 लाख का आ रहा है और हम A1 क्वालिटी, A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो फिर वो आप 60+30 ले जाए तो 90-95 लाख का घर आपको बेहतरीन बन जाता है। अच्छा, अगर हम महंगे प्लॉट की तरफ जाते हैं जो प्राइम लोकेशन पे बनता है, अली ब्लॉक है, अली ब्लॉक में आपको प्लॉट जो मिलता है 40 लाख से 50 लाख की रेंज में अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है। सपोज आप बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट लेते हैं, 50 लाख में आपको प्लॉट बनता है और A+ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 60 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है, 1 करोड़ 10 लाख की आपकी ये कॉस्ट बनती है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, और 3 लाख का इसके NOC के लगा लें, तकरीबन 1 करोड़ 10 से 15 लाख में आप A+ क्वालिटी का घर बना सकते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेशन आती है हमारे कस्टमर, जब हम कॉस्टिंग की बात आती है तो वो उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्यों ना हम बना बनाया घर ले लें बहरिया टाउन से, जो बहरिया टाउन 150 स्क्वायर यार्ड का 11A में दे रहे हैं या 11B में दे रहे हैं, बिल्कुल सामने अली गुलाब के, फिर इसी तरह जैसे हमने पहले बात की कि 10B और 11B में घर बना रहे, तो वो लोकेशन ऑलमोस्ट वही बनती है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक चीज तो ये कि जो बहरिया टाउन आपको कंस्ट्रक्शन करके दे रहा है एक एवरेज लेवल की कंस्ट्रक्शन है, नंबर टू उसमें जो उसकी अकोमोडेशन है वही एक्सटेंडेड है, आप उसे वेरी नहीं कर सकते रहे वो बने हुए घर है, और नंबर थ्री ये है कि वो आपको लमसम में पेमेंट करना पड़ती है। इधर तीन प्लस पॉइंट के, एक तो ये है कि आप अपनी मर्जी के लोकेशन का प्लॉट ले सकते हैं, दूसरी बात इसमें ये है कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और डिज़ाइन और अकोमोडेशन अपनी मर्जी का रख सकते हैं, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बल्कि सबसे वही इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने इस जो प्राइस है 1 करोड़ 10 लाख का घर बनाते हैं या 90 लाख का बनाते हैं, इस प्राइस को 1 साल तक स्ट्रेच कर सकते हैं प्लॉट लेके, फिर उसके ऊपर जो जो कंस्ट्रक्शन होती है आप उसको पे कर सकते हैं, मीन एक शॉट में, वन शॉट में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ती, अपनी मर्जी का आप उसकी फिनिशिंग क्वालिटी रख सकते हैं, अपनी मर्जी की उसकी अकोमोडेशन रख सकते हैं, और इसके अलावा बाकी जो फैसिलिटीज हैं उसकी वो अपनी मर्जी के इसमें अरेंज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी कॉस्ट के हवाले से और NOC के हवाले से, प्रोसीजर के हवाले से कोई क्यूरी भी है, किसी किस्म का क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर पर हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर लें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ऑन ग्राउंड जाकर भी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी वीडियोज आपके साथ शेयर करेंगे। फर्दर किसी भी किस्म की असिस्टेंस के लिए हमारी टीम अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।